ना? और सबने प्रैक्टिस वाले फोल्डर में प्रैक्टिस कर ली? सर, प्रैक्टिस वाले फोल्डर में सबकी प्रैक्टिस हो गई जितने लोग मैच के अंदर? क्योंकि अगर आप सर, प्रैक्टिस वाले यस फोल्डर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे सर, तो फिर दिक्कत होगी। यस सर, हो गया सर। हाँ बोलो कीर्ति, है ना, उसमें जरूर करते रहना। हाँ कीर्ति बोलो, क्या कह रहे हो? सर जैसे बोर्ड स्टेप में हमने बार से जैसे हर पेज को खोल ओपन कर सकते हैं, जैसे होम पे क्लिक किया तो होम ओपन हो गया, ब्लॉग पे क्लिक किया तो ब्लॉग हो गया, तो ऐसे इसमें नहीं होगा? हाँ हाँ होगा ना, अभी तो करवाने जा रहा हूँ, अभी यस करवाने जा रहा हूँ। चलो, प्रैक्टिस वाले फोल्डर में प्रैक्टिस जरूर करते रहना, क्योंकि इसके बाद ये 2 वीक में फिनिश हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, इस वीक और अगले वीक में, ठीक है? इसके बाद जो प्रोजेक्ट बनेगा ना, वो सबसे मेन प्रोजेक्ट होगा, वो उसमें सारा कुछ आप ही लोग बनाओगे, उसमें मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको। इसमें सारा काम मैं करवाऊंगा, वो सारा काम आप लोग करोगे। और अगर वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए आप लोग, तो फिर आगे रिएक्ट का भूल जाना कि रिएक्ट कर पाओगे, रिएक्ट के ना ई कॉमर्स आप कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपका ब्लॉक वाला प्रोजेक्ट, ये वाला और एक प्रोजेक्ट और, ये दोनों के कंसेप्ट आपके नहीं क्लियर हुए, आपने अच्छे से नहीं बनाए, अच्छे से नहीं प्रैक्टिस करी, तो आगे की चीज आप भूल जाना कि एक बड़ा ई कॉमर्स आप बना नहीं पाओगे, ठीक है? ये तो बहुत छोटे प्रोजेक्ट है, बड़ा ई कॉमर्स बनेगा रिएक्ट और नोड मिला के। उसके लिए आपको नोड की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, याद रखना इस चीज को सब लोग, और नहीं तो फिर आपका सब नुकसान हो जाएगा। चलो, तो अब बात करते हैं, वेबसाइट पे आ जाओ। हाँ बोलो 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 से ब्लॉग बोलो। वाला मैंने भी से ब्लॉग वाला मैंने भी थोड़ा बनाया था, स्क्रीन शेयर करूँ। बना लिया ना पेजेस सारे बने होंगे ना कि होम पेज ही ना आया? हाँ सर, अभी दिखा देना बैच की आईडी, दिखा देना अब, है ना? अभी बैच की आईडी देख लूंगा, अब रिकॉर्डिंग चालू होगी ना इसलिए। चलो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेबसाइट पे आओ, सुनो वेबसाइट पे आओ। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट वाला पेज ओपन हो, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तो कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन हो, है ना? और ब्लॉक पर क्लिक करूं तो ब्लॉक वाला पेज ओपन हो, जैसे इसके ओपन हो रहे हैं। तो ये मैं कैसे होगा काम देखो, इसके चल रहे हैं, ब्लॉक पर क्लिक कर रहा हूँ ब्लॉक का आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन आ रहा है। तो ये काम कैसे होंगे, आओ चलो हेडर में चलो, हेडर पे आ जाओ, हेडर वाले पार्ट पे। सब लोग हेडर डॉट ईजीएस पे आ जाए, हेडर डॉट ईजीएस नेम बार में आओ, सब नेम बार में। अब देखो नेम बार के अंदर एचआरईएफ होता है सबका, एचआरईएफ सबको दिख रहा है, देखो एचआरईएफ सबके में होगा, एचआरईएफ ऊपर निकल गया, हाँ यही सबको एचआरईएफ दिख रहा है, आपके में भी होगा नेम बार में एचआरईएफ, है ना? तो होम में आप बाय डिफॉल्ट क्या लगाओगे, होम में बाय डिफॉल्ट क्या लगाओगे आप लोग एचआरईएफ में, नेम बार के अंदर स्लैश, और फिर अबाउट में क्या लगाओगे, स्लैश अबाउट, कॉन्टैक्ट में स्लैश कॉन्टैक्ट, ब्लॉक में स्लैश ब्लॉक, लॉगिन में स्लैश लॉगिन, लगाओ सब लोग ये हेडर में जाना है, हेडर में सर, लाइट कट गई थी, फिर से थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर। अब जो हमें हेडर वाले में, हेडर डॉट ईजीएस है ना, हेडर डॉट ईजीएस में चले जाओ, उसमें लिखा ना एचआरईएफ, लिखोगे एचआरईएफ, पेज की लिंकिंग करनी है हमें, क्या करना है पेज की लिंकिंग करनी है। अबाउट पे क्लिक करें, अबाउट वाला पेज खुल जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, कॉन्टैक्ट वाला पेज खुल जाए, है ना? तो दिखा ना, देखो होम पेज, होम पे क्या करोगे एचआरईएफ में, स्लैश अबाउट में स्लैश अबाउट, कॉन्टैक्ट में स्लैश कॉन्टैक्ट, करो इस तरीके से। सब लोग कर लो तो मुझे बताना, आप लोगों के नेम बार में एचआरईएफ के अंदर होगा वही लिखना है। हाँ सर, हो यह सबका। यस अब पॉइंट सब समझो मेरा, कि ये यहां पे लिखा है अबाउट,
तो ये अबाउट कहां से आया, ये कॉन्टेक्ट लिखा है स्लैश कॉन्टेक्ट, ये कहां से आ रहा है, स्लैश ब्लॉक ये कहां से आ रहा है, स्लैश लॉगिन ये कहां से आ रहा है, ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं। अब चलना ना ऐप डॉट जेएस में, ऐप डॉट जेएस में आ जाओ, नीचे आ जाओ, देखो जी लिखे हैं स्लैश अबाउट, दिख रहे हैं ना लाइन नंबर 23 पे, स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टैक्ट, स्लैश ब्लॉक, स्लैश लॉग इन, यही सेम आपके वहां पे लिखे होने चाहिए हेडर के अंदर। याद रखना अगर आपने राउटिंग के अंदर अबाउट का एक कैप्टन लिखा है तो हेडर में भी आपको एक कैप्टन लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग चेक कर लो कि आपका स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टेक्ट, स्लैश ब्लॉक, स्लैश लॉग इन सेम है कि नहीं, जो आपने राउटिंग में दे रखे हैं। चेक कर लिए सबने, हमने फिर आगे बढ़ूं, यस सर। सबके चेक हो गए सेम है ना, चेक कर लेना। ओके अगर आप गलत दोगे ना तो फिर आपका पेज नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा जानते हो ना सब लोग। अब वेबसाइट पे आओ, अब जैसे कैसे चलेगा, चलेगा कैसे देखो, जैसे ही अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले वो कहां पे जाएगा पता सब लोग, राउट पे जाएगा ना, सबको पता है तो कहानी। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं, अबाउट पे आपने अबाउट पे क्लिक किया करना, देखो अबाउट पे क्लिक किया पेज खुल गया, तो आपके यूआरएल में क्या आ रहा है लिखा हुआ, यूआरएल में क्या लिखा ऊपर देखो स्लैश अबाउट, तो सीधा ये कहाँ जाएगा सबको पता है, ऐप डॉट जेएस पे जाएगा, जाना नहीं ऐप डॉट जेएस पे, और यहां पे जाके क्या ढूंढेगा स्लैश अबाउट कहाँ है, ठीक है जी, तो पता है सबको। ऐसे आप जब कॉन्टेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो स्लैश कॉन्टेक्ट ढूंढेगा। अब ये देखना है कि आपने कॉन्टैक्ट का सी कैप्टन लिखा है, आपकी कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग क्या लिखी है, वही सेम लिखनी है आपको, ठीक है। अब चला के देखो आपका इतना काम हुआ कि नहीं हुआ, सब लोगों को पहले सबको चलना है नेम बार से सारे पेजेस, यस सर, यस सर, बाकी लोगों के किसी को डाउट हो तो पूछ लो। किसी को डाउट हो तो पूछ लें, किसी को डाउट नहीं है आगे बढ़े फिर सर मेरा नहीं चल रहा है सब। हम, तो वही तो पूछ रहा हूँ, सही सही लिखे हैं तुमने स्पेलिंग है, किसका नहीं चल रहा लिखा है सर मेरा सब। किस, हाँ तो स्क्रीन से करो, पेजेस सही बने हैं चलना चाहिए था, स्क्रीन से करो। हाँ दिखाओ कौन सा एरर दे रहा है, तुमने क्या लिखा, यहाँ पे इंडेक्स नहीं आएगा, यहाँ पे स्लैश आएगा, होम में लिखा ना स्लैश लिखो, स्लैश पहले तो बैक करो, पहले तो कोड में चलो, कोड में पहले जो लिखा है ना स्लैश इंडेक्स हटा दो हेडर में से, हाँ स्लैश लिख दो यहाँ पे सिंपल सा, और जो वाला पेज सेव करो, जो वाला पेज सेव करो पहले तो, और उसमें चलो ऐप राउटिंग पे आ जाओ, ऐप राउटिंग पे आ जाओ, यहाँ दिखाओ मुझे देख, अबाउट कॉन्टैक्ट ब्लॉक लॉग इन, इस वाले पेज को सेव करके चेक करो, अब चेक करो चल के, बैक करो, बैक बैक करो, बैक बैक करो भाई पहले, और एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश जब कुछ चेंजेस करते हैं तो वो बैक करके रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब जाओ अबाउट पे क्लिक करो, चलने लगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, चलने लगा देखो सारे, है ना, बैक करके सेव करके रिफ्रेश कर लिया करो, चल लगते हैं देखो सारे पेजेस, ठीक है चलो स्टॉप कर लो। और भी कोई बंदा वेबसाइट पे आओ, तो अब मान के चलो किसी क्लाइंट के लिए आपने ये ब्लॉग की वेबसाइट बना दी और सेटअप कर लिया और हम इसको लाइव भी कर लिया, अब कल को वो क्लाइंट आपसे बोलता है होम पेज पे आओ, होम पेज पे आ जाओ, होम पेज पे, कल को क्लाइंट आपसे बोले कि यार मुझे ब्लॉक ऐड करने हैं, फिर वो बोले मुझे ब्लॉग की फोटो चेंज करनी है, वो बोले मुझे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन चेंज करना है,
तो अभी तो ये वेबसाइट कैसी बनी है, मिसालो अभी ये वेबसाइट कैसी है बताओ, स्टैटिक है ना, अभी तो सारा कुछ इसमें स्टैटिक है। अब क्लाइंट ने आपसे बोला था कि भाई मेरा जो ब्लॉग का प्रोजेक्ट बना रहे हो वेबसाइट, वो डायनेमिक होनी चाहिए, उसमें मैं ब्लॉक ऐड कर सकूं, चेंजेस कर सकूं, डिलीट कर सकूं, सब कुछ ठीक है ना, तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। अभी इसमें एक पेज बनेगा रीड मोर का, रीड मोर पे क्लिक करना। बनाया पेज अभी कुछ रीड मोर का पेज पे, रीड मोर का बनाया था। हाँ जी, रीड मोर का पेज जिस आपने बना लिया ना, जैसे लोगों ने वाला पेज सबका बनाया है वाला पेज रीड मोर का, सर बना है। सबके बने ना, तो इस ये वाला लिंक का रखा है आप लोगों ने अभी पेज कि नहीं किया? अभी अभी नहीं किया पहले। सो किया क्या उसके अंदर अभी? सेट कर दिया चलो है, कोई सेट तो दिक्कत, कर दिया अभी नहीं है। किया चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, जब हम डायनेमिक करेंगे तब कर लेना, तब करा देंगे। हल्का बना कर रखो रेडी, बना कर रखो रेडी है ना, जब हम डायनेमिक करेंगे ना तब लिंक कर लेंगे हल्के हाल तुरंत ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट फ्रंट एंड वाला काम कंप्लीट आपने कर लिया। अब बात आती है ये स्टैटिक है, क्लाइंट को चाहिए डायनेमिक, बैकएंड से ऐड कर सके। तो अब हमें क्या करना होगा, बैकएंड की डिजाइनिंग करनी होगी। हमें क्या करना होगा, बैकएंड बनाना पड़ेगा ना क्लाइंट के लिए, कि बैकएंड से ब्लॉक ऐड करे और फ्रंट एंड में देखने लगे, उसको कोई ब्लॉक चेंज करना हो बैकएंड से कर ले है ना, लॉग इन करके वो बैकएंड अपना ओपन कर सके, जो बनाया ना वो लॉग इन सिस्टम। ये लॉग इन पे क्लिक करना, लॉग इन पे क्लिक करो, लॉग इन पे है ना, लॉग इन पे क्लिक करे, ईमेल डाले, पासवर्ड डाले, उसका बैकएंड ओपन हो जाए, फिर वो बैकएंड से अपना ब्लॉक ऐड कर ले, सारी चीजें कर पाए। ये तो चाहिए था क्लाइंट को, नॉन टेक्निकल को है ना, तभी तो बोल पाओगे कि सर इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने डेटाबेस यूज किया, ये फुल्ली डायनेमिक प्रोजेक्ट है हमारा, स्टैटिक नहीं है ये है ना। तो अब हमें क्या करना, और हमें जो बनाना है वो ऐसा बनाना है कि नॉन टेक्निकल आदमी जिसने कभी कोई कोडिंग ना की हो वो भी इसको चला सके, वो भी ब्लॉक ऐड कर सके, हमें वो काम करना है ठीक है। तो चलो आते हैं, तो अब उसके लिए अलग काम करेंगे। तो चलो अब बनाना पड़ेगा नया कंट्रोलर हमें, तो आ जाओ, तो चलो अब आ जाओ कोड में चलते हैं बनाओ। तो अब बनाते हैं, और पहले एक काम करते हैं, कंट्रोलर से पहले हमें एक राउटिंग को अलग कर लेते हैं थोड़ा ठीक है, क्यों सब लोग राउटिंग वाले पार्ट को अलग कर देते हैं उठा के, जो राउटिंग नाम का हमारा फोल्डर है ना उसमें कर देते हैं, ऐप डॉट जेएस में नहीं रख रहे अपन राउटिंग अब ठीक है। ऐप डॉट जेएस में से राउटिंग अपन हटा के जो राउटिंग का फोल्डर है ना उसमें बना के फाइल उसमें डाल देते हैं तो सही रहेगा है ना, वॉचपॉच नहीं होगी थोड़ी, तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा है ना। तो चलो अब आप लोग क्या करो, वेब के अंदर जाओ, राउटिंग राउट्स के अंदर जाके एक बनाओ फाइल वेब डॉट जेएस, सब लोग राउट्स के अंदर एक बना ले फाइल वेब डॉट जेएस, राउट्स के अंदर सब लोग एक फाइल बना लें वेब डॉट जेएस। अब देखो राउटिंग किससे निकलेगी, राउटिंग किससे निकल के आएगी, एक्सप्रेस से निकल के आएगी याद है ना, है ना। तो लिखो यहां पे कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर सिंगल कोट में एक्सप्रेस, नीचे आ जाओ। अब लिखो यहां पे क्या नाम है, अब देखो राउटिंग किससे निकालनी है मुझे, सब लोग राउटिंग इसी से निकलेगी ना एक्सप्रेस के अंदर से ही है ना। तो यहां पे लिखो राउटिंग, राउटर लिखो, राउटर सिंपल राउटर इक्वल एक्सप्रेस, एक्सप्रेस डॉट अपने आप देखो, अपने आप आ गया, देखो अपने आप आ रहा है आर कैपिटल में, सबको दिख रहा होगा ना, देखो राउटर एप्लीकेशन अप्लाई आर्ग्यूमेंट कॉल है ना, जेसन लेंथ ये सब किसके अंदर है, एक्सप्रेस के अंदर है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस के अंदर जो राउटर वाला पार्ट है उसको हम कॉल कर ले रहे हैं, लिख दे एंटर दे दो और फंक्शन का साइन लगा दो, जो एक्सप्रेस के अंदर जो राउटर नाम का जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर ले रहे हैं, ऐसे तो कॉल करेंगे अब इतना तो सबको पता है ना चीजें, एक्सप्रेस के अंदर जो राउटर नाम का फंक्शन बना होगा उसको हमने कॉल कर लिया और राउटर में रख लिया ठीक है सिंपल। अब वहां पर चलो ऐप डॉट जेएस पे आ जाओ, जैसा उठा लो यहां से राउटर वाला पार्ट पूरा, जैसा उठा लो यहां से राउटर है ना, और वहां जाके पेस्ट कर लो सारे, यहां से कट करके यहां जाके पेस्ट कर लो, नीचे आ जाओ, पहले सब देख लो, अभी पहले देख लो है ना, और वो भी उठा लो, और भी पड़े वहां पे और भी थे ना, वो कौन से थे तुम्हारे, इसमें भी और भी हैं,
ये भी उठा लो यहां से, टीचर वाले। चलो यहाँ नीचे पेस्ट कर लो, और वहां पर कमेंट लगा लो फ्रंट कंट्रोलर, कमेंट को फ्रंट कंट्रोलर है ना, फ्रंट कंट्रोलर। जिस राउटिंग किसकी है, फ्रंट कंट्रोलर की है। अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, जहां पर ये ऐप लिखा है ना ऐप, वहां पर क्या लिखना होगा, राउटर लिखना होगा। तो कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल एफ कर लो, तो हाल चेंज कर लो, कंट्रोल एफ करके ऐप लिख दो यहाँ पे ऐप, और बोली उस पर उसी भी साइन आता है एरो का। मैं पहले ही आता, पहले ही आता, पहले भी लिखा ऐप के पहले ही, ऐप के पहले पे, हाँ इसी पे क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो राउटर, RoutER, और वो लिखा ना फाइंड रिप्लेस, आगे जाओ उसके और आगे और आगे, हाँ आगे आगे और आगे, यही इस पर क्लिक कर दो रिप्लेस ऑल, बस चेंज हो गया। ठीक है, बस अब इतना काम पहले आप लोग करो, इतना को दिखा दो पहले। इतनी कहानी समझ में आ गई ना, ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, इतनी कहानी सबको समझ में आ गई ना। हमने उस क्या किया, ऐप से हटा दिया, राउटिंग वाला काम राउटिंग के अंदर हो गया, कंट्रोलर वाला काम कंट्रोलर के अंदर हो गया, व्यू वाला काम व्यू के अंदर हो गया। इतना करें पहले आप लोग है ना, तब तक मैं एक मिनट में आया। web.js को कॉल भी तो करना पड़ेगा ऐप पर है ना, क्योंकि मेन फाइल हमारी कौन सी है, सबको पता है मेन फाइल कौन सी है, package.json पे आना, package.json पे आओ। देखो कौन सी मेन फाइल है, लिखिए ना app.js। तो जब भी आप कुछ भी ब्राउजर पे हिट करोगे, सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा, app.js पे आएगा, फिर हमें उसको app.js से वेब पे लेके आना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब बाय डिफॉल्ट हमारा क्या चलता है, स्लैश। जब बाय डिफॉल्ट आप लिखोगे लोकल होस्ट कोलन 3000 तो स्लैश चलेगा है ना, तो वो हमें कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, app.js पे आके। चलो app.js पे क्या करना पड़ेगा, वेब को कॉल करना है सिंपल सा, आप जो मांगे चलो। ठीक है, तो आओ सबसे पहले आते हैं ऐप पर, ऊपर चलो रिक्वायर करो, ऊपर रिक्वायर कर लो इसी लाइन नंबर 5 पर, हाँ इसी के नीचे रिक्वायर कर लो, या ऊपर ही कर लो लाइन नंबर 3 के नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 के नीचे कर लो, 3 के नीचे, और ये दोनों भी उठा लो, ये दोनों उठा लो, मैं पेश करो जाकर दोनों, ना एरर दे देंगे अभी वो, ये दोनों है ना लाइन नंबर 2 नहीं, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 सब लोग उठा लें अपने अपने, ये तो एरर मिलेंगे, एरर देंगे आपके फिर वो। अब वेब में जाकर पेस्ट कर लें यहीं पर राउटर के नीचे ही, आप लोग ये उठा के पेस्ट कर लें, ये फ्रंट कंट्रोलर ये दोनों चीजें, ना फिर वो एरर देंगे आपके भी होंगे ना, ये रिक्वायर ये वहां से कट कर लो, वेब पे पेस्ट कर लो। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं सर, मेरा लाइट कट रही बार-बार, रिकॉर्ड हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो अब आ जाओ, अब ऐप पे आ जाओ सर। हाँ हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ बोलो बोलो बोलो। अब देखो अब फाइल थोड़ी खाली हो गई, सबको दिख रहा, अब एक काम करो, जो तुम्हारे सर्वर है ना इसको सबसे नीचे लेके जाओ, ये क्रिएट सर्वर को ऊपर क्यों रख लिया, इसको यहाँ से कट करो पूरा उठा के सबसे नीचे ले जाओ और नीचे लाओ। सर क्लास रिकॉर्ड हो रहा है सर? हाँ हाँ हो रहा है, हो रहा है। ये डाउ राउटर सर, राउटर सर, राउटर से लिखा हुआ है जब जी। ठीक है और ऊपर चलो है ना, अब देखो सब देखो फाइल कितनी छोटी हो गई, सबको दिख रहा है, कोड कम हो गया बिल्कुल ऐप वाली फाइल पे, ऐप वाली फाइल सिंपल, अब क्या रह गया, टेम्पलेट इंजन रह गया और पब्लिक वाला और सर्वर वाला रह गया सिंपल सा है ना, इससे हौच पौच ना हो। अब लाइन नंबर 4 पे आ जाओ, ठीक है रिक्वायर कर लो, लिखो कॉन्स्टेंट वेब वेब इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन सिंगल कोट में डॉट स्लैश राउटर, वो अपना नीचे राउटर आ रहा है देखो नीचे वो राउटर स्लैश वेब अपने आप आ गया। ठीक है चलो ये रिक्वायर कर लिया, अब इसको कॉल कर लो ये लाइन नंबर 7 पे, लाइन नंबर 7 पे कमेंट आए कॉल कर दो, लाइन नंबर 7 पे आ जाओ, देखो राउटर इसको बोलते हैं राउटर लोड, लिखो कमेंट में राउटर लोड लिख दो कमेंट में, राउटर लोड या कॉल कुछ भी समझ लो लोड, क्योंकि राउटर यहीं से तो लोड होंगे सारे। ठीक है अब लिखो यहाँ पे ऐप डॉट यूज फंक्शन का साइन सिंगल कोट में स्लैश
स्लैश फिर सिंगल कोट के बाहर कॉमा, बाहर सिंगल कोट के बाहर जाओ कॉमा और लिख दो वेब, वेब वाला वो कॉल हो जाएगा बस। ठीक है, ये हमारा राउटर कॉल हो गया। देखो क्या होगा, जैसे आप लिखोगे लोकल होस्ट कोलन 3000 सबसे पहले कहां पे आएगा, वो ऐप पर आएगा और ऐप पे आके क्या देखेगा, स्लैश ढूंढेगा आके, ऐप पे आके क्या ढूंढेगा सबसे पहले वो स्लैश, यहां मिल गया स्लैश लाइन नंबर 8 पे मिल गया ना, फिर यहां से वो कहां जाएगा, वेब पे जाएगा, ये वेब लिखा हुआ है। अब वेब से वो कहां पहुंच जाएगा, सीधा वेब डॉट जेएस पे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, अब वेब डॉट जेएस पे आओ, यहां पहुंच गया, यहां पे इसको जी मिल गया स्लैश और ये होम को चला देगा। ठीक है, अब देखो हम जितने भी राउट बनाते हैं सब में क्या लगाते हैं, सब में लगा के चलते हैं ना स्लैश, क्योंकि सबसे पहले वो ऐप पे आएगा स्लैश वाला, फिर वो आपके यहां पे आएगा। समझ आया, अब उनको दिखा दो ऐप वाली फाइल दिखा दो, इसको सेव कर दो, ऐप वाली फाइल दिखा दो उनको, अभी ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत करो, ठीक कर लेंगे अभी, पहले तो उनको दिखा दो, पहले आप लोग भी कॉल कर लो ऐप डॉट जेएस पे। इतना हो जाए तो बता देना मुझे, है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। टास्क रिकॉर्ड हो, हाँ हो रहा है, लाइट कट जा रही मेरी, हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई परेशान ना हो, रिकॉर्ड हो रहा है। सबने इतना कर लिया, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 8 लिखनी है बस अकेले। हो गया सर, हो गया, बाकी लोगों का यस सर, ओके। अब देखो अब थोड़ा हो गया, अब थोड़ा वेब वाली, अब थोड़ा वेब वाली फाइल पे आओ, यहाँ थोड़ा भी ठीक करना होगा जी, अंदर जाना लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 पे आओ जी, रिक्वायर के अंदर, रिक्वायर के अंदर जाओ, लाइन नंबर 3 पे आओ सब लोग, लाइन नंबर 3 पे, यहाँ पे डॉट डॉट ए को लगा लो, दो डॉट लगा दो, फोल्डर के अंदर है ना, एक डॉट और लगा दो, हाँ ऐसे ही। अब देखो कलर चेंज हो गया अपने आप, नीचे भी एक डॉट और लगा दो, नीचे वाला एक डॉट और लगा दो, अब देखो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो डॉट क्यों लगेंगे पता है ना सबको, फोल्डर के अंदर है ना, इसलिए आप लोग भी दो डॉट लगा लेने ऊपर रिक्वायर में, फ्रंट कंट्रोलर में। तो कलर देखो अपने आप चेंज हो गया होगा, अभी टर्मिनल दो क्या टर्मिनल में ऐप क्रैश में दिखा रहा है वो, अभी अभी सही हो जाएगी। प्रयत्न कर लिया, इतना सही कर लिया सबने, सर डॉट डॉट स्लैश कर लेना लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 पे। अब दोबारा सर्वर चालू करना, फिर देखते क्या दिखा रहा, क्रैश क्यों हो रहा है, क्रैश हो रहा है सर। ऊपर चलो, ऊपर चलो, हाँ ऊपर चलो, टर्मिनल दिखाओ एरर क्या दे रहा है, वो टर्मिनल में एरर दिखाओ ना, एरर सही आना पड़ेगी, एरर ऊपर चलो, क्या एरर दे रहा है वो, राउटर यूज राउटर, ऊपर चलना सबसे ऊपर टॉप पे, एक्सप्रेस डॉट आर ओ यू टी आर लिखा था तुमने, सही है आर ओ यू टी आर राउटर, और यहाँ पर भी सही लिखा है, कैपिटल भी होना चाहिए वो, एक्सप्रेस कौन सी लाइन पे दिखा रहा है, अरे मिडलवेयर फंक्शन इंडेक्स कॉल
क्वायर तो बंद कर लिया राउटर को, वहां चलना एप डॉट जेएस पे, एप डॉट जेएस पे, एप डॉट जेएस पे कुछ पंगा तो नहीं है। एप डॉट जेएस पे तुमने क्या किया, ऊपर वेब डॉट जेएस को रिक्वायर कर लिया और फिर एप डॉट यूज, एप डॉट यूज और कॉमन लगा के फिर लिखा, इसको भी सेव करो, इसको भी सेव कर दो। और सर्वर कहाँ था, सर्वर सर्वर नहीं चलाना, सर्वर चल ही रहा। अब सेव करो फाइल दोबारा से, दोबारा चालू करना ना सर्वर को, सर्वर इज क्रैश लगा दो। नीचे आके सब लोग मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लेना, नीचे मॉड्यूल एक्सपोर्ट तो किए नहीं है। चलो अब सही हो गया, नीचे आओ वेब तो वेब, राउटर आएगा नहीं, नहीं रुको रुको, राउटर कर रहे हैं ना अपन, राउटर क्या कर रहे हैं, राउटर लिखो, राउटर राउटर लिखो, आर ओ यू टी ई आर राउटर, सेव करो ठीक है। अब चला के देखो, चल गया सब देखो, अब चल गया साइड पे चला के देख लो। अब पहले इनको एक बार दिखा दो, पहले इनको एक बार दिखा दो ना, दिखा दो दिखा दो, सभी लगा लो, अपन ने ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट ही किया ना इसलिए एरर दे रहा था वो। सब लगा ले राउटर और फिर चला के देखें, ऊपर डॉट डॉट स्लैश लगा दी सब लोगों ने, ऊपर डॉट डॉट स्लैश लगा लेना सारे लोग, हो गया सबका। सब लोग कंट्रोलर के अंदर एक बना लो फोल्डर एडमिन नाम का, कंट्रोलर है ना उसके अंदर बनाओ एक फोल्डर एडमिन, मतलब बैकएंड है ना वो एडमिन ही होता है, एडमिन नाम का ठीक है। सब लोग कंट्रोलर के अंदर एक फोल्डर बना ले एडमिन नाम का, जिसके अंदर अपन बैकएंड वाला काम करेंगे ना सारा कुछ है ना। और एडमिन के अंदर एक बना लो कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, एडमिन नाम का एक फोल्डर बनेगा कंट्रोलर्स के अंदर, उसके अंदर एक कंट्रोलर बनेगा एडमिन नाम का, दिख रहा होगा सबको स्क्रीन पे। कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लो, मॉड्यूल एक्सपोर्ट, बस सबने ये काम कर लिया, इतना काम फिर मैं आगे बढ़ू। इसके अंदर एक बना लो स्टैटिक वो डैशबोर्ड नाम से, एक फंक्शन डैशबोर्ड, एक फंक्शन बना लो डैशबोर्ड नाम से, अभी एरो लगेगा, एरो फंक्शन
डैशबोर्ड इक्वल, डैशबोर्ड इक्वल इक्वल, फिर वहां पे एरो फंक्शन बाहर उसके आर एस के बाद में, फिर ट्राई कैच लगा लो अंदर आके उसके। हाँ देखा ना आर एस रेंडर है, ट्राई कैच लगा लो, अभी मत लगाओ अभी मत लगाओ, फिर घट्टा सिखाऊंगा, फिर सिंपल कर लो आर एस डॉट रेंडर। सिंगल कोट में एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, बस अब कोई बताएगा एडमिन स्लैश डैशबोर्ड का मतलब क्या है, कोई बताएगा बैच में बताएगा, कोई रेंडर में लिखा है हमने ये चीज एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, इसका क्या मतलब है, किसी को नहीं पता? चलो एडमिन के अंदर फोल्डर में जाकर डैशबोर्ड को ढूंढेगा, व्यूज के अंदर, व्यूज के अंदर एक फाइल बनेगी, सॉरी व्यूज के अंदर एक फोल्डर बनेगा एडमिन नाम का, उसके अंदर एक फाइल बनेगी डैशबोर्ड नाम से, व्यूज के अंदर एक एडमिन नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक फाइल बनेगी डैशबोर्ड डॉट ईजीएस के नाम से। सब बना लें, सिंपल लिख दो यहां पे एच वन में एडमिन डैशबोर्ड, सिंपल एडमिन डैशबोर्ड लिख दो बस सिंपल। इनको मेथड दिखाओ, मेथड करो आप लोग भी। व्यूज के अंदर एक फोल्डर बनेगा एडमिन नाम का, उसके अंदर एक फाइल बनेगी डैशबोर्ड डॉट ईजीएस नाम से, वेब डॉट जेएस पे आ जाओ राउट पे सब लोग आप, और नीचे कमेंट लगाओ लाने में पंदा के नीचे से लिखो एडमिन कंट्रोलर, देखो राउटर डॉट गेट एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड वही एडमिन कंट्रोलर डॉट डैशबोर्ड सेम अपने वहां अपना डैशबोर्ड, बस अब इनको भी दिखा दो पहले जो लिखना, इस तरीके से लिखना आप लोगों को भी। अब जाके चेक करो ब्राउजर पे कि ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो हो गया, देखो ओपन सब देख लें, जो ओपन हो गया एडमिन स्लैश डैशबोर्ड लिखा है यूआरएल में, उनको भी दिखा दो यूआरएल दिखा दो, आप लोग लिखना यूआरएल, वो क्या नाम वेब डॉट जेएस दिखा दो उनको, लिख लो आप लोग वेब डॉट जेएस वाला पाथ। अब एक काम करना लिख रहे हैं तो लोग नया रजिस्ट्रेशन कर लो, सब देखो डिजाइन क्या बनेगी डैशबोर्ड के अंदर, अब लॉगिन कर लो लॉगिन, देखो दिख रहा है पूरा डायनेमिक चल रहा है, ऐसे आप लोगों का बनेगा पूरा डायनेमिक।
हाँ ये बनेगा अंदर का पार्ट, सब देखो अंदर वाला पार्ट, बाकी लोग हेडर वही रहेगा। और हेडर फुटर में कॉल करा दूंगा, आना ना वेबसाइट में, आना ना सोचा ना वेबसाइट में हेडर फुटर में कॉल करा देता हूँ अभी हाल फिलहाल हाल के तुरंत। लिखो लेस देन परसेंट ये डाल देना एच वन, परसेंट माइनस इंक्लूड फंक्शन का साइन वही डॉट डॉट, नहीं 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 एडमिन हेडर कहाँ है क्या है, नहीं सिंपल जी हटाओ, जी हटाओ सिंपल हेडर डॉट देखो डॉट डॉट अपने बारा हो देखो हेडर आ गया ना हेडर डॉट ईजीएस, हाँ यही ईजीएस, हाँ ईजीएस हेडर डॉट ईजीएस लगा दो, बंद करो बीच में लिख लो, बंद कर दो बंद कर दो, कमेंट लगाओ और बीच में लिखो नीचे आके एच वन में, एच वन लिखो एच वन में एडमिन एडिशन वाला में एडमिन डैशबोर्ड, नीचे फुटर ले लो नीचे फुटर ले लो सेम, फुटर बंद कर लो सेव करके चेक कर लो इतना पहले अपना वाला। सब दिख रहे हो हेडर फुटर जा गया है ना सब लोग, अब आओ अब बाकी कहां से लेना है आपको डिजाइन, बगल वाले पे आना वेबसाइट पे, ये डिजाइन ले रही है सब देखो डैशबोर्ड की दिख रहा है, जब भी डैशबोर्ड खुलेगा ना तो ये डिजाइन होगी सब लोग, आवाज आ रही है सब लोग क्या करना सबके पास ये लिंक होगी, सब सुन लो सबके पास ये लिंक होंगी सबके पास, तो पहले आप क्या करोगे ये डिजाइन बना लोगे अलग, किस पे बनाओगे अभी अलग, इसके अंदर मत बनाना अभी सब लोग, इसके अंदर नहीं बनाना अभी एक्सप्रेस के अंदर, पहले आप क्या करना उसको अलग बना लो, अपने बना रहे थे ना जैसे वेबसाइट बनाई थी वैसे इसको बनाना अलग, कौन कौन से पेज लेंगे एक तो डैशबोर्ड का हो गया, अब इस पर क्लिक करना डिस्प्ले ब्लॉक पे, एक इस पर क्लिक करो जो वाला पेज बनेगा डिस्प्ले ब्लॉक वाला पेज, अब बटन पे क्लिक करना ऐड ब्लॉक पे, हाँ बटन पे क्लिक हुआ देखो बटन पे क्लिक किया ये फॉर्म खुल के आया, ये फॉर्म बनाओगे आप लोग ठीक है, इतनी काम करना है बस अभी अभी सिर्फ इतना ही काम करना है, जैसे ही डैशबोर्ड खुलेगा ना आप अलग बना लेना फाइल पे ठीक है, डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना डैशबोर्ड क्लिक करो, देखो बाय डिफॉल्ट ये रहेगा सब देखते जाए, ये अभी आप एक्सप्रेस के अंदर सेट नहीं करना वो मैं करवाऊंगा बैच में परसों, आप इसको अलग बना लेना जो बनाते जा रहे हैं ना थीम में आपने बनाया था अलग उसमें बना लेना डैशबोर्ड डॉट एस टी में नाम से फाइल, उसमें हेडर फुटर तो हो गई बीच का ये कोड सेट करना ठीक है, फिर डिस्प्ले ब्लॉक पर क्लिक करोगे डिस्प्ले ब्लॉक देखा ना एक डिस्प्ले ब्लॉक डॉट एस टी में नाम की फाइल बनाना अलग से ठीक क्लिक करो उस पर, फिर इसमें ये सेट करोगे टेबल ठीक है, टेबल डाटा वाले मत डालना टेबल डाटा वाले एक डाल देना कोई दिक्कत नहीं है, फिर बटन दिख रहा है आपको बटन जी ऐड ब्लॉक बटन, इस बटन पे फिर बनाओगे फाइल ऐड ब्लॉक नाम की ऐड ब्लॉक डॉट एस टी एल, इस बटन पे क्लिक करो, बटन पे क्लिक करोगे तो अब एक चीज देखो ये साइड वाल दिख रहा है ना साइड बार में ये डैशबोर्ड डिस्प्ले ब्लॉक ये फिक्स है, ये सब जगह कॉमन रहेगा ये वाला पार्ट, तो इसका कोड सब में लेके चलना ठीक है ना, और इतना काम करना है ये फॉर्म दिखाना है, बना पाओगे डिजाइन सिंपल डिजाइन दी है बना लोगे हना तो बोल